जय हिंद एवरीवन। दोस्तों बहुत सारे भाई का कमेंट और मैसेज आ रहा है मेरे पास कि भाई 5 अप्रैल को जो आंदोलन होने वाला है दिल्ली में जंतर मंतर में, जो आर्मी की भर्ती को लेकर या फिर 2 साल के एज में छूट के लेकर या फिर रिटर्न एग्जाम नहीं हो रहा इसी चीज को लेकर जो आंदोलन होने वाला है दिल्ली में, क्या आप वहां पर जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? अगर आप नहीं जा रहे हो तो उसका रीजन क्या है जो आप नहीं जा रहे हो? तो सारे चीज दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। मैंने आज सुबह मैंने रॉयल सोल्जर हार्ट से मैंने बात किया है, उनको यही कहा कि 5 अप्रैल को सर ऐसे ऐसे आंदोलन होने वाला है। संदीप सर को मैंने कहा था कि सर ऐसे ऐसे आंदोलन होने वाला है दिल्ली में 5 अप्रैल को आर्मी की भर्ती को लेकर, तो आपका हमारा साथ देना चाहिए, तो क्या आप जाओगे उधर दिल्ली में जंतर मंतर पे? तो उन्होंने कहा कि उनका भी कुछ पर्सनल काम है, शायद आप लोग अगर उनका सुबह का वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो उनका कुछ पर्सनल काम है जिसकी वजह से वो कहा कि मैं कोशिश पूरी करूंगा उधर जाने के लिए, क्योंकि पहले भी वो सर एक साल पहले गए थे जो SSC GT की भर्ती के लिए, वो भी जंतर मंतर में सबसे पहले गए थे सर। तो उन्होंने कहा कि मैं भी जरूर जाऊंगा, मैं हमेशा यूथ का साथ देता हूं, तो जरूर जाएंगे। लेकिन उनका कुछ पर्सनल काम है, अगर पर्सनल काम खत्म हो जाएगा तो जरूर जाएंगे, वो भी कुछ बिजी है, उनके कुछ काम की वजह से वो भी बिजी है। तो अगर वो फ्री होंगे तो जरूर जाएंगे, मैंने उनको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया है। तो उन्होंने मेरे बात को समझा, मैंने सारी चीज़ उनको फीलिंग सारी चीज़ बताया कि अभी बहुत ज़्यादा जरूरी है लोगों के साथ देने का, तो आप हमारे साथ जरूर दीजिए। तो बात को अच्छी तरह से समझे, और पर उनका अगर पर्सनल काम खत्म हो जाएगा तो जरूर जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ और फिर मैं क्यों नहीं गया। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सिलचर असम सिलचर की बात कर रहा हूँ मैं। असम सिलचर से दिल्ली तक का सफ़र कितना है आप लोग अंदाज़ा लगा लेना, गूगल पे सर्च करके आप लोगों को मिल जाएगा। और ये बात नहीं कि इतना दूर है मैं कैसे जाऊँगा, डर लग, ऐसा डर पर कुछ नहीं, किसी के बाप से मैं नहीं डरता सबसे पहली बात। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि मैं डिस्टेंस क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, इसी चीज़ के लिए मैं बता रहा हूँ। ये मेरे पास नहीं है, मेरे पास थोड़ा सा कुछ था उससे से मेरा नहीं हो रहा है, ना मैं टिकट का हो रहा है और ना उधर जाने आने का खर्चा भी जो है वो एक नहीं हो रहा है। अगर मैं आधे रास्ते में रुक जाऊँगा, मेरा पैसा खत्म हो जाएगा तो मेरे को कौन पैसा देगा? और अभी तक मेरे को ऐसा किसी ने नहीं बताया कि आप इधर आइए दिल्ली में और हम आपका कुछ मदद करेंगे। आप सभी को पता होगा मेरा फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, ना ही मेरा बाप कोई बिजनेसमैन है, ना ही कोई नौकरी करता है। हम किसान परिवार से, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उतना पैसा नहीं है मेरे पास। अगर कोई मेरे को ऐसा बोलता कि आप दिल्ली में जरूर आइए, हम आपको मदद करेंगे पैसा से, किसी ने ऐसा नहीं कहा है, सब अपने आप कर रहे हैं। पर जो भी है, जो लोग इसी आंदोलन में शामिल हो रहे हैं या फिर आंदोलन के लिए जा रहे हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया, आप लोग ऐसे करते रहिए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अगर यहाँ पर बैठ के सोशल मीडिया के थ्रू अगर कुछ करना पड़े, मैं हमेशा करूँगा, हमेशा पहले से ताव रहूँगा, क्योंकि मैं भी एक आर्मी की कैंडिडेट हूँ भाई, इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाला मैं भी एक कैंडिडेट हूँ, मुझे भी भर्ती होना है, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ 2 साल से भर्ती का, तो फिर मैं तो हमेशा साथ दूंगा भाई। रमजान का पहला दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा जाने का बहुत मन था लेकिन इसकी वजह से मैं नहीं जा पाया, मैंने पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया, तो जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाया। मुझे बहुत ज़्यादा दुख है मैं नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन जितने भी लोग जा रहे हैं इस आंदोलन के लिए, जो शामिल है इसी आंदोलन में, उनको तो बहुत बहुत शुक्रिया यार, दिल से आप लोग ऐसे करते रहिए, हम आपके साथ हमेशा है और रहेंगे। और अगर वहाँ पे नज़दीक में अगर कोई रहने वाले हो, जितने भी कैंडिडेट है, तो आप लोग भी जरूर जाइए दिल्ली में जंतर मंतर में, और वहाँ पर रहने का खाने का बंदोबस्त शायद उन लोगों ने किया है तो बहुत अच्छी बात है। उन लोग ऐसा मतलब फैसिलिटी दे रहे, जो बच्चों को, जो जितने भी लोग जाएंगे आंदोलन के लिए, उनको फैसिलिटी दिया जा रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं रॉयल सोल्जर सर से मैंने बात किया, संदीप सर से, वो भी कोशिश करेंगे पूरी तरह से जाने के लिए उधर, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं नहीं जा पाया, बहुत मन किया था जाने का और बहुत ही सोचा था मैं जाऊंगा उधर, पर नहीं जा पाया यार, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ तहे दिल से। अगर आप लोग नज़दीक रहने वाले हो तो आप लोग प्लीज़ जरूर जाइए उधर और साथ दीजिए 5 अप्रैल को जंतर मंतर पे दिल्ली पे, आप लोग याद रखना और जरूर जाइएगा, मैसेज को जरूर पहुँचाइएगा। ज़्यादा दिन बचा नहीं है, सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है, और वहाँ पर मैं बता नहीं सकता, बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं कि वहाँ कितने दिन आंदोलन रहेगा, इसके बारे में मुझे कुछ खबर नहीं मिला है कि 1 दिन में होगा, 2 दिन में होगा आंदोलन होगा, ऐसा मेरे को कुछ नहीं पता है। लेकिन जो भी होगा शांतिपूर्ण से होगा, अपने हक के लिए जितना लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे साथ मिलके, बस आप लोग साथ दीजिए उनका, जितने भी लोग जा रहे हैं दिल्ली में तो उनका साथ जरूर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, बहुत जल्द मिलेंगे, आप लोग अपना ध्यान रखें, अपना परिवार का भी ध्यान रखिए। जय हिंद।